हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है टेक सेंट्रल में। और आज हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं ऐसे स्मार्टफोन जो कि 20,000 के अंदर टॉप कैटेगरी में आते हैं। और आज हम कंपेयर करने वाले हैं मोटरोला वन फ्यूजन प्लस वर्सेस रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स वर्सेस यहाँ पे रियल मी 6 प्रो। तो ये तीनों फोन जो है काफी ज्यादा डिमांड में है कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि तीनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस को रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इसको रियल मी 6 प्रो के साथ और देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पे बेस्ट है इस कैटेगरी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो टेक सेंटर। चलिए दोस्तों बिना वेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे मोटरोला वन फ्यूजन प्लस को Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max के साथ और Realme 6 Pro के साथ। यहाँ पे दोस्तों मैंने आगे की स्लाइड में मोटरोला वन फ्यूजन प्लस को खाली वन फ्यूजन लिखा है और यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max को 9 Pro Max लिखा है और Realme 6 Pro को Realme 6 Pro लिखा है। तो आप जो है इस बात को ध्यान में रखिए। हम कंपेयर करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन, उसके बाद डिस्प्ले, उसके बाद प्रोसेसर, उसके बाद कैमरा, उसके बाद बैटरी और फाइनली देखेंगे कि इस कंपैरिजन का विनर कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन की। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वन प्लस फ्यूज़न में जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे दोस्तों एक ऊपर में आपको छोटा सा कैमरा मिलेगा, बैक में नीचे आपको तीन ट्रैफिक सिग्नल के जैसे कैमरास मिलेंगे, बीच में जो है आपको मोटोरोला का लोगो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ फ्रंट की तो फ्रंट में यहाँ पे आपको फुल डिस्प्ले मिलता है जिसमें एक पॉपअप कैमरा है, तो जो डिस्प्ले है उसमें कोई भी पंच होल नहीं होगा। इसके अलावा नीचे में आपको छोटे से बेजल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये था वन प्लस फ्यूज़न का। अब बात करते हैं नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको चार कैमरा मिलते हैं जिसकी स्टाइल एकदम यूनिक है, एकदम यूनिक डिज़ाइन इन्होंने जो है निकाली है। बीच में दो कैमरास, उसके नीचे दो कैमरास और उसके नीचे एक छोटा सा जो है एलईडी फ्लैश दिया गया है आपको, और पीछे का जो है वो एकदम बाकी पूरा सिंपल है। नीचे में जो है रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट की तो फ्रंट में आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। अगर मैं बात करूँ रियलमी 6 प्रो की तो इसकी डिज़ाइन जो है, इसके कैमरा की डिज़ाइन है वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है यहाँ पे मोटोरोला के वन फ्यूज़न से, लेकिन यहाँ पे दोस्तों चार कैमरास है, सेम टू सेम ट्रैफिक सिग्नल कैमरास आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ बैक की तो यहाँ पे आपको जो है अच्छी डिज़ाइन वाली थीम देखने को मिल जाती है जिससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टार्स की तो मोटोरोला वन फ्यूजन को 5 में से 4 स्टार्स, नोट 9 प्रो मैक्स को 4 स्टार्स और रियलमी 6 प्रो को 4.5 स्टार्स उसकी अलग से जो डिज़ाइन में ग्राफिक्स है उसके लिए। अब मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले की दोस्तों, तो डिस्प्ले में आपको देखने को मिलेगा वन प्लस फ्यूज़न में जो है 6.5 इंचेस की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कलर IPS TFT LCD जो है 16mm कलर्स के साथ आता है। तीनों ही फ़ोन में LCD स्क्रीन है। यहाँ पे दोस्तों वन प्लस फ्यूज़न में 1080 पिक्सल्स का जो है रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 91% का, क्योंकि उसमें कोई भी पंच होल देखने को नहीं मिलता है। नोट 9 प्रो मैक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कलर IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है विद 16 मिलियन कलर्स, 6.67 इंचेस की स्क्रीन है, 1080 पिक्सल्स का स्क्रीन रिजोल्यूशन और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 84.60% का। अगर मैं बात करूं Realme 6 Pro की तो इसकी जो डिस्प्ले है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की साइज की मैं बात करूं तो 6.6 इंचेस की स्क्रीन, 1080 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.6% का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्स की बात करूं तो यहां पे वन फ्यूजन में आपको 5 में से 4 स्टार्स, नोट 9 प्रो मैक्स को 5 में से 4 स्टार्स और रियलमी 6 प्रो को 5 में से 4.5 स्टार्स मैं दूंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोसेसर की तो तीनों ही फ़ोन जो है यहाँ पे आपको क्वालकॉम पावर पैक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे वन फ्यूज़न में आपको 730G देखने को मिलेगा, नोट 9 प्रो मैक्स में 720G और रियलमी 6 प्रो में 720G। तो डेफिनेटली जो नोट 9 प्रो मैक्स का और रियलमी 6 प्रो का प्रोसेसर जो है वो सेम है, इसलिए वो दोनों के जो स्टार्स है वो सेम होंगे। और मोटोरोला वन फ्यूज़न का जो है स्नैपड्रैगन 730G है जो कि 720G से अपग्रेडेड है, तो उनका स्टार्स ज़्यादा होगा। यहाँ पे 4.5 स्टार्स देना चाहूँगा वन फ्यूज़न को और नोट 9 प्रो मैक्स को 4 स्टार्स और रियलमी 6 प्रो को 4 स्टार्स। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैमरा की,
तो कैमरा दोस्तों जो है यहाँ पे तीनों ही फ़ोन में आपको फ्रंट में मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल मिलेगा, लेकिन मैं बात करूँ वन फ्यूज़न की तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जिसका अपर्चर होगा 2.2 का। अब मैं बात करूँ नोट 9 प्रो मैक्स में तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल का शानदार फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और रियलमी 6 प्रो में भी आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे भी ड्यूअल कैमरा से 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस जो है नोट 9 प्रो मैक्स का और रियलमी 6 प्रो का कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो मोटोरोला वन फ्यूजन से जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं स्टार्स की बात करूँ तो यहाँ पे 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा वन फ्यूज़न को, नोट 9 प्रो मैक्स को देना चाहूँगा 4 स्टार्स और रियलमी 6 प्रो को देना चाहूँगा 4 स्टार्स। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैटरी लाइफ की तो तीनों फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो अच्छी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बैटरी मैं मानूंगा नोट 9 प्रो मैक्स की। यहाँ पे वन प्लस फ्यूज़न में बार बार मेरे मुँह से वन प्लस फ्यूज़न निकल रहा है, मोटोरोला वन फ्यूज़न है ये फ़ोन का नाम। तो यहाँ पे आपको मिलता है 5000 mAh का 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ, 9 प्रो मैक्स में 5020 mAh की बैटरी 33 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ और रियलमी 6 प्रो 4300 mAh की बैटरी जो कि तीनों में सबसे कम है 30T फ्लैश चार्जिंग के साथ। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 4.5 स्टार्स में देना चाहूँगा वन फ्यूज़न को, 9 प्रो मैक्स में देना चाहूँगा 5 out of 5 stars क्योंकि यहाँ पे आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलती है और 5020 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ रियलमी 6 प्रो की तो यहाँ मैं 4 स्टार्स देना चाहूँगा क्योंकि बैटरी लाइफ जो है इसकी यहाँ पर कम है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग है तो वो एक अच्छी बात है। अगर मैं टोटल करूँ यहाँ पर विनर तो विनर आप सभी जो है जानना चाहते होंगे कि इस कंपेरिजन का विनर कौन है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन का जो है पॉइंट्स है वह 20.5, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स का जो टोटल होता है वह 21 स्टार्स और यहाँ पे रियलमी 6 प्रो का जो होता है टोटल वो होता है 21 स्टार्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो दोनों फ़ोन है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स रियलमी 6 प्रो ये दोनों के 21 स्टार्स है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि ये दोनों फ़ोन में आपको 8 GB के वेरियंट देखने को मिल जाएंगे लेकिन मोटोरोला के फ़ोन में आपको 6 GB वाला वेरियंट ही देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों एक कम्प्लीट कंपेरिजन जो हमने किया। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने वीडियो देखा 20,000 के अंदर कौन सा फ़ोन अच्छा है ये दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हमें ऐसा लगे कि जी हाँ हमारा वीडियो को जो है कोई तो देख रहा है, किसी को तो अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम।